इस महान संस्था के माननीय अध्यक्ष राजकुमार जी, डॉक्टर नीरज अवस्थी जी, डॉक्टर सुनील शर्मा जी, डॉक्टर सी के घोष जी, डॉक्टर विजय कत्याल जी, मेरे भाई अरुण वर्मा जी, डॉक्टर अरुण जैन जी, सामने बैठे मेरे पुराने साथी समाजसेवी गुड्डू भाई, हमारे बुजुर्ग जयराम दास जी, बंटी भाई, सोनी जी, सभी उपस्थित यहाँ पर चिकित्सकगण, विशिष्टजन, मरीजगण और सभी उपस्थित मातृशक्ति, अभी मैं सबको सुन रहा था और यहाँ के वातावरण महसूस कर रहा था। दो पंक्तियां याद आ रही थी मुझको, क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, ये डॉक्टर अशोक जैन जी, अशोक जैन जी ऐसी शख्सियत थे जो गैरों के आंसू पीते थे और औरों के लिए जीते थे। देखिए आदर्श की बात कितना होता था, चाहे वो समाज सेवा के रूप में हो, चाहे जीवन के रूप में हो, लोग करते हैं, करना कहना आसान, उस पर करना उससे कठिन, लेकिन ऐसा संदेश छोड़ना, ऐसा कर गुजरना कि एक बहुत बड़ी टीम खड़ी होकर उस काम में जुट जाए, ये सबसे कठिन है जो डॉक्टर अशोक जैन जी ने किया। उस समय भी टीम उनके साथ थी, गुरु जी थे, अनिल जी थे, सुशील जी, इनके दोनों भाई संदेश जी, बाकी अन्य लोग, लेकिन वो ऐसी प्रेरणा दे गए कि वो सतत चल रहा है, यह बड़ी बात है। डॉक्टर नीरज अवस्थी जी की तारीफ सुनी और सुनी नहीं देखी भी, वो बच्ची मेरे सामने लाई गई जब मैं मरीजों से बात कर रहा था, छोटी सी बच्ची मुस्कुराई, उसके बारे में बताया मैंने उसके पिता से, शायद पिता के रूप में थी, फिर उस वक्त मुझे दो पंक्तियां याद आ गई, मैं सुना लूंगा आप लोगों कि मस्जिद कहीं दूर है तो चलो यूं कर चले, मस्जिद कहीं दूर है तो चलो यूं कर चले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और वो बच्चा अबोध जो कुछ जानता नहीं था, जीवन ने उसके साथ ऐसा खूब मजाक किया, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कान और उससे भी आगे शायद इस सोच से भी आगे, क्योंकि जब वो मुस्कुराई तो उसके घर वाले भी मुस्कुराए होंगे, पास पड़ोसी मुस्कुराए होंगे, आज मैं भी मुस्कुराया। यह दिया डॉक्टर नीरज अवस्थी जी, तो एक से एक महान कार्य से जुड़े हुए यहाँ पर लोग, और मैं उसमें तुच्छ सा अगला सा व्यक्ति, कभी भागीरथ कह रहे हैं, कभी कुछ और कह रहे हैं मुझे, करता है तो कन्हैया मेरा नाम होगा, निमित्त तो कोई बन सकता है, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि यमुना मैया के शहर में गंगा मैया आए, इसलिए ईश्वर ने काम उसे कराया, बहुत दुष्कर काम था इसमें कोई शक नहीं। आगरा की जनता प्यासी थी और खार पति से खर पति तक खारे व्यक्ति को पानी की जरूरत है। मैं देखता था जब लोगों को, महिलाओं को खासतौर से बस्तियों की, एक एक किलोमीटर दूर सुबह 4 बजे से पानी लेने जा रही, उस दर्द को समझा था और सोचा था कि मुझे मौका मिलेगा तो कुछ करूं नहीं। ईश्वर ने कराया,
9 जनवरी 2010 आपका भाषण इतिहास की तारीख बन गया। जब मेरे नेता मोदी ने वतन पटन तब आया और गंगा चमुना मैया के शहर में गंगा मैया आई आया इसके बाद जरूरत होती है दवाई की और पढ़ाई व्यक्ति के जीवन में चिकित्सा और शिक्षा। ऐसे मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान के 3 प्राचीनतम कॉलेजों में एक जहां हमने बचपन में रुटू भाई ने तो याद होगा कि पंडित कमलापत त्रिपाठी एस चीफ मिनिस्टर यहां इलाज कराने आए थे और दुर्दशा का पराकाष्ठा बताओ 2017 में जब मैंने सोचा कि इसको सुधारा जाए और मैं जब घूमने गया वहां पर देखने की कहा क्या हो सकता है तो वहां की छात्राएं आई मुझसे बोली हॉस्टल देखने जा रहा हूं। मैंने कहा मैं हॉस्टल देखने नहीं आया हूं, मैं ये देखने आया हूं कि क्या सुधार हो सकता है, एम्स स्तर पर इसको कैसे लाया जा सकता है। बोले नहीं आप हॉस्टल देखते हो। अब गर्ल्स हॉस्टल मैंने प्रिंसिपल को बुलाया डॉक्टर सर व्यवस्थित सर प्रिंसिपल थी मैंने कहा चलो चलिए क्या कह रही है बच्चियां और बोले कोई जरूरत नहीं आपको आप शायद मैं समझा जरूर दाल में काला है पूरी दाल का नहीं तो मैंने कहा चलिए देते आप आगे चलिए शर्मनाक स्थिति से ज्यादा नहीं हो सकती कि गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल के बाथरूम में दरवाजे स्थिति। मैंने उनसे पूछा कि क्या है प्रिंसिपल मैडम बोले हमें फंड नहीं। कहा आपको सरकार को लिखना चाहिए था क्योंकि 2017 की बात यह है 2017 से मैंने सपा सरकार की बोले हमने लिखा था लेकिन वहां से भी ये लेटर आया हमको फंड नहीं। मैंने समझाई ऐसा होने की इतनी संवेदनशील उनको सरकार हो नहीं लेकिन लेटर कैसा था। मैंने उसी समय अपने हमारे बड़े भाई की तरह मित्र है पूरन डावर उनको बुलाया और कहा जरा आपके अपने अपने पैसे से पहला फौरी तौर पर दरवाजे लगवाए बाकी मैं देखूं। फिर मुख्यमंत्री जी को लेकर आया दिखाया डिप्टी सीएम उस समय दिनेश शर्मा जी थे आगरा प्रभारी थे 2 घुमाया और ऊपर से लेकर माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा अपने ट्विटर पर आया हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री बने उसका परिणाम ये हुआ कि 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुपर स्पेशलिटी विभाग खोलने के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में 300 करोड़ रुपए दिए योगी जी ने किया योगदान उसका जो एम्स स्तर पर लाने के लिए बड़ी जमीन चाहिए थी तो लेडी लाय का मर्ज कराया मैंने योगी से उसमें 17.5 एकड़ मर्ज हो गई 67 एकड़ जमीन हो चुकी है। अब धीरे धीरे वहां विकास हो रहा है और वो दिन दूर नहीं है एम्स जैसी सुविधाएं मिलेगी और परिवर्तन कितना हो गया पिछले दौरान योगी जी की सरकार में कि एक स्थिति बताई मैंने कि दरवाजे नहीं थे और कोरोना काल में जितने भी टेलीफोन मेरे पास आते थे कि विधायक जी हमारा फलाना बीमार है इसको एडमिट कराओ मैं उसका कहा कराना है मैं कहा सिफारिश करूं तो पहली चॉइस हर एक के लिए ऐसे बढ़ कर पाई यह परिवर्तन योगी जी की सरकार और पुरानी सरकार ईश्वर की कृपा चाहूंगा कि इस काम में सफलता मुझे मिले जैसे गंगा जल में सबकी दुआओं का फल था ईश्वर की कृपा। तो आगरे का कैसे विकास हुआ मुझे
चिकित्सा शिक्षा का अधिकार शिक्षा मंत्री बना दिया बाइडन जो भी जी है, तो आगरे को एजुकेशन का हब बनाना और आईटी विभाग भी है, आईटी का हब बनाना, ये मैंने संकल्प लिया है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आईटी पार्क का अप्रैल में बड़ा पार्क आईटी पार्क कमलास का उद्घाटन होने वाला है। आईटी सिटी के लिए माननीय योगी जी से अनुमति ली है, डीएम को पत्र लिख दिया है कि 500 एकड़ से अधिक कुछ जमीन देखी जाए और नक्षत्रशाला के लिए यहाँ पर साइंस पार्क बनेगा, उसके लिए प्रावधान हो गया बजट में। ये सब चल रहा है। तो यदि राजनीति समाज सेवा का सबसे सशक्त माध्यम है, लेकिन फिर भी राजनीति अधूरी है जब तक समाज खड़ा नहीं, यह समाज खड़ा है। जहां तक चिकित्सा की बात करूं, जिस प्रधानमंत्री ने सोचा कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को कोई ऐसा कार्ड दे दिया जाए जिससे 5,000 तक का इलाज मुफ्त में करा सके, यह व्यवस्था मेरे नेता भी नहीं करती। हम पिछली बार जब पिछली सरकार थी तब भी विधायक थे, किसी को इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी 4 बार मुख्यमंत्री के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ती थी, जो नीचे स्टाफ था वहां कहना पड़ता था, तब कहीं जाके अगर 10 एप्लीकेशन जाती थी तो शायद 3 या 4 को अनुदान मिल जाता। लेकिन आज योगी जी के राज्य में 100 एप्लीकेशन पहुंचती है, वो जो फाइल पूरी है तुरंत 50% उसको इलाज का पैसा उसके अकाउंट में अस्पताल के अकाउंट पर आता है, जहां इलाज हुआ। ये संवेदना है राजनीतिक लोगों के अंदर होनी चाहिए, हमारे नेता में है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की पीड़ा और दर्द को समझते हैं तो विचार बेचते बेचते प्रधानमंत्री बने। मित्रों, आप सामाजिक रूप से खड़े हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और अशोक जी के साथ मैंने काम किया है बहुत बार में, उनसे प्रेरणा ली है। इस संवेदनाएं क्या होती है मानव के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, और वही संवेदनाओं का परिणाम है कि ये सब यहाँ पर इतनी बड़ी टीम जुटी हुई है। मैं भी सीधा लखनऊ से आ रहा हूं, जब राजकुमार जी सुनील जी का आदेश पहुंचा था, साथ में इनका भी डॉक्टर सुनील इनका भी पीछे धक्का लगा। वैसे तो हमारे भाई हैं, कुमार जी के लड़के हैं, लेकिन डॉक्टर है इसलिए इनकी बात माननी पड़ती है। डॉक्टर की मानेंगे तो खतरे में पड़ जाएगा, तो मैं हाजिर हुआ हूँ यहाँ पर। थोड़ा विलम्ब से जरूर आया क्योंकि तो लखनऊ में कुछ कारणों से जाम लगा हुआ था, निकलते निकलते टाइम लगा। आप लोगों को थोड़ा मेरा इंतजार करना पड़ा, मुझे इस बात का खेद है, इसके लिए माफी मांगता हूँ। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, मजबूरी पे पापा ने मेरी मजबूरी जिसके मुताबिक से आया, इसके लिए माफी। आपके पास आने से, यहाँ आने से, यहाँ पे सब देखने से ऊर्जा बनती है, उत्साह मिलता है, और वही ऊर्जा मुझे कुछ करने के लिए बात करती है या प्रेरित करती है। ये मैं आप लोगों के साथ में कहता हूँ और इस शब्द के साथ अपनी बात को रखता हूँ। अच्छी चिकित्सा जैसे मेडिकल कॉलेज के माध्यम से एक एम्स के रूप में किया जा रही है, जोरदार तालियों के साथ हम सबकी दुआएं साथ में।